होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन, होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी एक स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इसराइली पराये देवता की ओर फेरते और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल लिया, और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो छिनाल करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि इसराइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद व गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को ढूंढते लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तु के लिए थरथराते हुए आएंगे।